गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग वीडियोज़ दिस इज रीनू सिंह फ्रॉम बुलेन् शहर एक्चुअली आज का बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है कोल्ड की वजह से स्कूल्स ऑफ हो चुके हैं और मेरा बेटा जिसकी वीडियो भी आप देखते रहते हैं वो मेरे रूम में सो रहा था जहाँ मैं यूजअली वीडियोज़ बनाती हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है तो एडजस्ट और वैसे भी बैकग्राउंड से क्या फ़र्क पड़ता है फर्क पड़ता है ऑन द टॉपिक विच वी आर टॉकिंग अबाउट आज की हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका मेन कंटेंट है मैं आपको बातों बातों में बता दूंगी अच्छा एक बात बताइए अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अगर आप पढ़ाई करते हैं तो किसी एम के किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए ही तो कर रहे होंगे तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं आई विल रीड आउट ऑल द कॉमेंट्स बेसिक सा रीजन है अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं टू गेट अ गुड जॉब गुड जॉब अकॉर्डिंग टू विच वी विल गेट अ गुड हैंडसम सैलरी हर कोई जो पढ़ाई कर रहा है एक अच्छी जॉब के लिए कर रहा है जिससे उसकी स्पेंडिंग्स जो फ़्यूचर है वो फ्यूचर प्लानिंग्स उसकी अच्छे से चल सके अब फ्यूचर प्लानिंग्स में एक अच्छा घर हो गाड़ी हो अच्छी अगर कोई लड़का है तो उसकी अच्छी लड़की से शादी हो जाए और एक लड़की है तो उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम इस बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा अगर इस हम चीज़ को डिस्कशन करें तो बट जो मेरा मेन कंटेंट है आज का वो है अगर हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू किस तरह से होना चाहिए मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं आप उसको एक बार रेफर ज़रूर कर सकते हैं सो देर आर ओनली फ्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू विच यू कैन गेट अ जॉब अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि किसी भी कंपनी में किसी भी स्कूल में कॉलेज में जब जॉब्स निकलती हैं तो जितने कैंडिडेट्स वहाँ जाते हैं क्या वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं नहीं सिलेक्शन सिर्फ उनके कुछ क्राइटेरियाज़ के बेस पर होता है फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काम आता है किसी टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन आपकी डेमो मेनली डेमो डेमो एक इस तरीके से होता है आपको पढ़ाकर दिखाया जाएगा वहाँ पर आपको एक क्लास दी जाएगी जहाँ आपको ये बताया जाएगा चलिए आपके पास ट्वेंटी मिनट्स हैं या थर्टी मिनट्स है आप इन बच्चों को पढ़ के दिखाइए कि आप किस तरीके से टीचिंग करते हैं वहाँ आपकी एक एक छोटी छोटी बारी की चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप क्लास में एंटर करते हैं आपने मार्कर है या चौक है वो कैसे होल्ड किया है आपने अगर बोर्ड पर एंट्रीज़ हैं उसको रब किया है या नहीं किया है कुछ मैंटेन किया है कि नहीं किया ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके क्लास डेमो के लिए यूजफुल हो सकती है ओनली फॉर टीचिंग प्रोफेशन इसकी मैं एक वीडियो बहुत अलग से बना दूंगी आपकी हेल्प के लिए बट आज मेरा मेन टॉपिक रहेगा इंटरव्यू के क्वेश्चन को आंसर करना सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है आप ऑफिस में गए और जो भी हैं प्रिंसिपल हैं डायरेक्टर हैं उन्होंने आपसे बोला प्लीज अ सीट तो आप बैठ जाएंगे आराम से बट आपकी सिटिंग पोजिशन कैसे होनी चाहिए यू हैव टू बी वेरी कम्फर्टेबल एंड योर स्पैनल कॉर्ड शुड बी वेरी स्ट्रेट आप बहुत झुक के नहीं बैठेंगे और इधर उधर नहीं देखेंगे रूम में आप डायरेक्टली आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे उनसे सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल फॉर एन इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू के लिए आराम से बैठ गए हैं कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हाथ को अपने लैप्स पर रखें आपको हैंड्स होल्ड नहीं करनी है या इधर उधर करके नहीं बैठना है आपको अपने लैप्स पर रखना है आराम से स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके एंड वेट फॉर द क्वेश्चन सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ या काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये बात एक ही है मतलब आपको अपने बारे में बताना है अब आपको अपने बारे में बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं बतानी है ओनली फ्यू बेसिक थिंग्स यू हैव टू टेल योर नेम योर रेसिडेंट ऑफ प्लेस योर ग्रेजुएशन एनी एक्सपीरियंस इज इफ यू हैव दीज आर दौनली थिंग्स विच यू हैव टू टेल अगर इसके बाद इंट्रोवियर आपसे कुछ और पूछता है तो यू कैन एडअप आप उसमें कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं आफ्टर दिस वो पूछेंगे आपसे आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग शुरू से शुरू कीजिएगा जहाँ आपने पहले ज्वाइन किया था स्कूल पहली पोस्टिंग कहाँ थी पहला स्कूल कौन सा था फिर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपने वो स्कूल लीव क्यों किया ध्यान रखिएगा कभी भी किसी भी कंपनी को किसी भी स्कूल को लीव करने के बाद उसकी कोई नेगेटिव चीजें आप वहाँ जाकर नहीं बताएंगे ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप वहाँ जाकर उसकी नेगेटिव चीजें बताएंगे कि वहाँ का इन्वॉर्मेंट अच्छा नहीं था वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं थे इवन मैनेजमेंट अच्छा नहीं था बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन आप नेगेटिव चीज़ को नहीं बताएंगे आप उनकी पॉजिटिव चीज़ को बताएंगे आप आंसर कर सकते हैं आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ मैं अपने आप को बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं वहाँ से स्विच करके आया हूँ या सेकेंड ऑप्शन आप बता सकते हैं सैलरी इंक्रीमेंट आप सैलरी के लिए बता सकते हैं थर्ड इसके आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि अगर आप लड़ाई करके आए हैं या आपको निकाला गया है ऐसी कोई चीज़ बताएंगे तो डेफ़िनेटली आप जहाँ पर हैं वहाँ भी आपको नहीं रखा जाएगा इसके बाद आपसे डेमो क्लास के लिए बोला जाएगा तो नाउ आई विल ब्रीफ यू हाउ टू तो गिव अ डेमो क्लास फॉर अ टीचिंग पोस्ट आपका कंटेंट पर आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी पूछा जाए डेमो क्लास में तो आप इजीली उसको बता पाएं तो जब आप क्लास में जाएं एंटर करें सबसे पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश कीजिए अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल्ड सो बच्चों से बोलिए आपका बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड डोंट यूज़ एनी स्टडी मटीरियल इन योर डेमो क्लास आप कोई भी स्टडी मटीरियल यूज ना करें कोई टॉपिक आपको बता दिया गया पढ़ाई के लिए सबसे पहले आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से करंट नॉलेज को कनेक्ट कीजिए यूज़ मार्कर यूज चौक इफ यू हैव इन योर क्लास एंड बोर्ड पर लिख दीजिए डेट टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है ये बोर्ड एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपकी टीचिंग डेमो क्लास के लिए बच्चों से प्रीवियस नॉलेज पूछिए करंट नॉलेज को कनेक्ट कीजिए देन उसको आगे बढ़ाते रहिए जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात को रखना चाहते हैं एंड डू अ नीडफुल थिंग आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा उन ट्वेंटी मिनट्स में जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप आंसर कहाँ से पिकअप कर सकते हैं कोशिश करो बच्चों को पुट पुटअप करने की जिससे वो आंसर्स दें जो भी आपने पढ़ाई हैं एंड डोंट लीव योर क्लास विदाउट गिविंग होमवर्क ये बहुत अच्छी बात है आपकी अगर आप क्लास में कोई टॉपिक आपने फिफ्टीन मिनट्स का पढ़ाया है तो लास्ट में आप टू क्वेश्चन ज़रूर दे कर जाइए उसे बोर्ड पर लिख दीजिए नेक्स्ट जब आपकी डेमो क्लास कंप्लीट होती है तो जो इंटरव्यूअर है वो डिस्कशन करेगा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा जैसा मैं अपने कैंडिडेट से पूछती हूँ हाउ वॉज़ द क्लास अकॉर्डिंग टू यू तो हो सकता है कि कैंडिडेट या आप बताएं कि मैम इट वॉज़ ओके अकॉर्डिंग टू मी बट आप उसकी धीरे धीरे कमियाँ बताना शुरू करें जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कमियाँ बताएंगे कि आपकी डेमो क्लास परफेक्टली नहीं थी आपने ये चीज़ें मिस कर दी है अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो बी कूल काम आपने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया था ना हो सकता है कभी भी गलती हो सकती है सो so, जब बाद में ये बात आती है तो आप एक काम कर सकते हैं लास्ट में जब आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछी जाती हैं तो आप कोई भी मिड का रेशियो बताएंगे मिड मतलब 25 फाइव टू थर्टी के बीच में निगोशिएबल आई होप दिस विल वर्क यू एंड लास्ट में प्लीड ना करें जॉब के लिए मैम प्लीज़ देख लेना सर प्लीज़ देख लेना आई नीड दिस जॉब इस तरीके का कोई कॉमेंट नहीं देंगे आप ओके okay, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का अदरवाइज जो जॉब मिलने वाली होगी ना वो भी आपको नहीं मिलेगी ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो